दोस्तों, जय जगन्नाथ। लेट्स बी हैप्पी चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको आप जगन्नाथ पुरी दर्शन के लिए जाए तो वहाँ पे जगन्नाथ मंदिर के अलावा पुरी से आप भुवनेश्वर के साइड सीन में जो जो टूरिस्ट प्लेस है इसके बारे में जानकारी दूंगी। सबसे पहले आप जा सकते हैं कोणार्क सन टेम्पल, साखी गोपाल मंदिर, शांति स्तूपा, उदयगिरी खंडगिरी केव्स, मुक्तेश्वर सिद्धेश्वर मंदिर के आप दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे इसी चैनल पर आपको बहुत सारी टूरिस्ट प्लेस की वीडियो मिल जाएगी। जगन्नाथपुरी की पुरुषोत्तम भक्त निवास, उसकी ऑनलाइन बुकिंग, जगन्नाथपुरी मंदिर, उसके लोकल साइट सीन, तो आपको जरूर देख लेना। और ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखना। एक ही वीडियो में आपको भुवनेश्वर की सभी साइट सीन की आपको जानकारी दूंगी। और मेरे ये चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम कोणार्क सन टेम्पल, ये कोणार्क सन टेम्पल जाएंगे तो बाहर ऐसी पूरी मार्केट लगी है जहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं। फिर बाद में हम एंटर हो गए। इसका एंट्री टिकट है 40 रुपीस और इसका टाइम है सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक कोणार्क सन टेम्पल ओपन रहता है। यहाँ पे शाम को लाइट एंड साउंड शो भी होता है। 2 शो होते हैं, फर्स्ट शो 6:30 to 7:10 और सेकंड शो 7:30 to 8:10 और उसकी एंट्री टिकट है 50 रुपीज़। और यहाँ पे एक कोणार्क सन टेम्पल की पूरी हिस्ट्री यहाँ पे दिखाते हैं, जो आप यहाँ पे बैठकर कोणार्क सन टेम्पल की हिस्ट्री देख सकते हैं। ये कोणार्क सूर्य मंदिर पुरी से 35 किलोमीटर की दूरी पर है और आप उड़ीसा जगन्नाथपुरी दर्शन के लिए जाइए तो कोणार्क सूर्य मंदिर की आप जरूर विजिट लीजिएगा। गंग वंश के महान शासक राजा नरसिंहदेव प्रथम ने 1200 कारीगरों की मदद से 12 साल की अवधि में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। चूंकि शासक सूर्य की पूजा करते थे इसलिए मंदिर को सूर्य भगवान का रथ माना जाता था। कहा जाता है कि कोणार्क वह स्थान था जहां पहला सूर्य मंदिर बनवाया गया था। सूर्य को समर्पित एक प्राचीन ग्रंथ साम पुराण भगवान कृष्ण के पुत्र साम द्वारा सूर्य की पूजा करने के लिए इस मंदिर का निर्माण किया गया था। ये सूर्य मंदिर समय की गति को दर्शाता है, जिसे सूर्य देवता नियंत्रित करते हैं। पूर्व दिशा की ओर जाते हुए मंदिर के 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों को एक प्रतीक है और 24 पहिए दिन के 24 घंटे को दर्शाते हैं। ये पूरा मंदिर लाल रंग के बलुआ पत्थरों से बना है और इसमें काले ग्रेनाइट लगे हुए हैं। कहा जाता है कि पहले इसमें 3 मंडप थे, 2 मंडप ढह चुके हैं। तीसरे मंडप में जहां मूर्ति स्थापित थी वहां अंग्रेजों ने रेत और पत्थर भरवा दिया, जिसके बाद वह स्थायी रूप से बंद हो गया। इसी मंदिर के शिखर पर 52 टन का चुंबकीय पत्थर लगा है। यह बड़े बड़े जहाजों को भी खींच लेता है। माना जाता है कि कोणार्क मंदिर में सूर्य की पहली किरण सीधे मुख्य प्रवेश द्वार पर पड़ती है। सूर्य की किरणें मंदिर से पार होकर मूर्ति के केंद्र में हीरे से प्रतिबिंबित होकर चमकदार दिखाई देती है। इस मंदिर में आप घोड़ों और पहियों के अलावा मंदिर के चबूतरे पर नर्तकियों, संगीतकारों, जानवरों और कुछ कामुक आकृतियों की भव्य और जटिल नक्शासीदार नक्शा से भी आप देख सकते हैं। आप एक कोणार्क सन टेम्पल को पूरी बारीकी से देखिएगा, 101 आपको आकृति और इसमें कहानी आपको देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पे इस कोणार्क सन टेम्पल में 2 कैंटीन है, एक अंदर भी एक कैंटीन है और बाहर आप एंटर हो गए वहाँ भी आपको एक कैंटीन मिल जाएगी। वहाँ पे खाने पीने की भी पूरी सुविधाएं है तो आपको वो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और आप शांति से पूरा टाइम लेके कोणार्क सन टेम्पल की विजिट जरूर कीजिएगा ओडिशा में आप जाइए तो, क्योंकि बहुत बड़ा है और टाइम भी बहुत लेगा और वहाँ पर आपको गाइड भी मिल जाएगा तो आप गाइड भी साथ में ले सकते हैं। और शाम को ये पूरा लाइट एंड साउंड शो आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप देखिए। ये लाइट एंड साउंड शो में दर्शकों को वायरलेस हेडफोन वहाँ से देते हैं तो आपको वो शो में भी बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट हमारी प्लेसेस है साखी गोपाल मंदिर भुवनेश्वर। भगवान कृष्ण को समर्पित एक साक्षी गोपाल मंदिर पूरी भुवनेश्वर राजमार्ग पर स्थित है और ये पूरी के जगन्नाथ मंदिर से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। और इस मंदिर में चावल के बजाय गेहूं से प्रसाद तैयार किया जाता है। इस मंदिर की कुछ ऐसी कहानी कि ओडिशा के एक गांव के युवक को इसकी मुखिया की बेटी से प्यार हो गया पर उसकी शादी के लिए उसके पिताजी नहीं माने और वो
मुखिया एक बार बीमार पड़ गया तो गांव वालों ने उसे छोड़ दिया और ये युवक ने उसे स्वस्थ किया और किया कि मैं आपकी शादी करवा दूंगा, पर उसने अपना वादा तोड़ दिया और कहा कि साक्षी के लिए किसी को लेके आओ। तब गरीब लड़के ने भगवान को प्रार्थना की और कृष्ण गोपाल के रूप में वो उसके सामने प्रकट हुई और वो साक्षी के रूप में आने के लिए सहमत हुई, पर उसने शर्त रखी कि उसको आगे आगे चलना होगा और गोपाल उसके पीछे चलेगी। उसने कुछ आवाज़ नहीं सुना जो कि और मुड़कर देखा तो वहाँ कृष्ण भगवान उसकी मूर्ति बन गई और गांव वालों ने देखा और वो शादी के लिए सहमत हो गई। गोपाल मंदिर आप जगन्नाथपुर दर्शन के लिए जाए तो यहाँ पर भी आप दर्शन के लिए जरूर आना। आगे हमारा लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। इस मंदिर के परिसर में 180 फुट ऊंचा मंत्रमुग्ध करने वाला लिंगराज मंदिर है और इसके प्रांगण में 150 छोटे छोटे मंदिर भी हैं। बलुआ पत्थर और लेटराइट बने इस मंदिर में 4 मुख्य विभाग है, विमान, जगमोहन, नट मंदिर और भोग मंडप, और इसके 2 प्रवेश द्वार है, एक उत्तर से और दूसरा दक्षिण से। इस मंदिर में आप कोई भी मोबाइल, जूते, चप्पल, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अंदर नहीं ले जा सकते, आपको बाहर ही जमा करवाना पड़ेगा। और इस मंदिर का विमान मुख्य गर्भगृह है जिसकी मीनार 180 फीट ऊंची है, ऊपर से नीचे तक जटिल रूप से नक्शेदार किया गया है। दोस्तों अब यहाँ भी आप दर्शन के लिए जरूर जाइए। आगे है हमारा शांति स्तूपा। इसे धूलगिरी शांति स्तूपा भी कहते हैं और वो भुवनेश्वर से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर आपको थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़कर जाना पड़ेगा और बीच बीच में ऐसी बहुत सारी शॉप आएगी, वहाँ पर ड्राई फ्रूट भी आपको बहुत अच्छा मिलता है। ये धूलगिरी पहाड़िया दया नदी के तट पर स्थित है और ये वो स्थान है जहाँ पर कलिंग युद्ध लड़ा गया था और यहाँ पर सम्राट अशोक को युद्ध तो जीत गए थे पर वो बहुत खून खराबा और लाशों को देखकर वो बहुत अचंभित रह गए और वो प्रायश्चित के रूप में उसने बौद्ध धर्म के मार्ग पर चलने का फैसला किया। और इस युद्ध और उसके बाद अशोक के परिवर्तन की याद में इन पहाड़ियों पर एक स्तूप के रूप में एक स्मारक बनाया गया जिसे शांति स्तूप कहा जाता है और ये सफ़ेद स्तूप में गुंबद के आकार की रचना है और गुंबद के सिर पर 5 छतरी के आकार के विस्तार है जो बौद्ध धर्म के विचारधारा को दर्शाते हैं। और यहाँ पर इसकी दीवारों पर भगवान बुद्ध की विभिन्न मुद्रा में मूर्तियाँ बनी गई है। मंदिर में पत्थर की शिलाओं पर भगवान बुद्ध के जीवन की कहानी भी उकेरी गई है और स्तूप के अंदर भगवान बुद्ध की एक बहुत बड़ी मूर्ति है। यहाँ पर भी शाम को लाइट एंड साउंड शो धूली स्तूपा में होता है तो आपको टाइम है तो वो भी आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं हम खंडगिरी और उदयगिरी के भुवनेश्वर। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से 9 किलोमीटर की दूरी पर ये उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं हैं। गुफा की एंट्री टिकट है 15 रुपीज और ये दोनों गुफाएं एक दूसरे के सामने ही है सड़क पर। दोनों पहाड़ियों पर कुल 33 चट्टान काटकर बनाई गई गुफाएं हैं जिनमें से 18 गुफाएं उदयगिरी पहाड़ी पर और 15 खंडगिरी पहाड़ी पर खोदी गई है। उदयगिरी नाम का अर्थ है सूर्योदय की पहाड़ी। इस गुफा में नाचती महिलाएं, शाही दल और संगीत वाद्य यंत्रों की सुंदर मूर्तियां हैं और उदयगिरी में हाथी गुफा और गणेश गुफा भी विशेष रूप से बहुत महत्व है। देखिए यहाँ पर सभी गुफा के नाम लिखे हुए है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और यहाँ पे ऊपर जैन मंदिर भी है और इसी गुफा के ऊपर नक्शासी भी बहुत अच्छे से की गई है जिसमें महिला और बच्चों, एथलीटिकों, शेरों, बैलों और कई जानवरों की आकृति भी आपको दिखाई देगी। और खंडगिरी गुफा पे पहाड़ी की चोटी पर एक दिगंबर जैन मंदिर भी यहाँ पर स्थापित है। ज़्यादातर जैन तपस्वियों के निवास के लिए खारवेल के शासनकाल के दौरान इसे बनाया गया था। एक खंडगिरी पहाड़ी लगभग 40 मीटर ऊंची है और उदयगिरी पहाड़ी लगभग 35 मीटर ऊंची है। पहाड़ी ऊपर भी बहुत सारी सीढ़ियां चढ़कर आपको जाना पड़ेगा तो आप विंटर के सीजन में जाएगा तो आपको यहाँ पे गुफाएं चढ़कर देखने में बहुत आनंद आएगा। वहाँ से ऊपर का दृश्य भी बहुत अच्छा होता है।
देखिए यहाँ भी बड़ी एक जैन टेम्पल है और इसकी एंट्री टिकट 2 रुपीज़ है। और ऊपर से देखिए आप खंडगिरी और उदयगिरी केव और पूरा भुवनेश्वर का साइड सीन दिख रहा है। बहुत अच्छा दृश्य है यहाँ पे ऊपर से कि यहाँ जैन मंदिर के आप दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों ये पुरी से भुवनेश्वर के साइड सीन में आप चंद्रभागा बीच और दूसरी 2-3 प्लेस है वो भी आप ले सकते हैं, पर आप हमारे पास समय बहुत कम था इसलिए चंद्रभागा बीच नहीं जा पाए। तो आप जाइए तो वो जरूर टाइम लेकर जाइएगा और पूरा भुवनेश्वर की सभी प्लेस जरूर घूमिएगा। आगे हमारा दूसरा मंदिर है मुक्तेश्वर मंदिर। भुवनेश्वर का बहुत अच्छा मंदिर है। 10वीं शताब्दी में बनाया गया कलिंग स्थापत्य शैली में निर्मित इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 35 फीट है और ये उड़ीसा का रत्न माना जाता है। इसमें जटिल नक्शा से जालीदार डिजाइन वाली हीरे के आकार की खिड़कियां और पंचतंत्र की लोकप्रिय कहानियां और इस मंदिर का तोरण सभी नक्शा से बहुत मनमोहक है। तो आप भुवनेश्वर में जाइए तो ये पुराने मंदिर की विजिट भी जरूर कीजिएगा। और दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू। जय जगन्नाथ।